हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर से सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट करता है, इसके अलावा मिनिमम बैलेंस के ऊपर कितना चार्जेस करता है और कब कब करता है। दोस्तों, जब आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और आप किसी मंथ में अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, जैसे कि आपने रूरल में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और वहां पर आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 रुपये मेंटेन करना होता है। अब आपने 500 रुपये मेंटेन नहीं किया तो ऐसे केसेस में आपका चार्जेस कट जाता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। दोस्तों, जब आप लोगों को ये पता रहेगा कि ये चार्जेस कब कब कटता है और कैसे काउंट करता है बैंक ऑफ बड़ौदा इन चार्जेस को, तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जब सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो वहां पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपये, यानी कि आपका जो अकाउंट्स है वो रूरल एरिया में होता है, तो आपको 500 रुपये मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अगर आपका जो अकाउंट्स है वो सेमी अर्बन में होता है तो आपको 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है, और अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी और अर्बन में होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2000 रुपये मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, यानी कि प्रति 3 महीने में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि आपका एवरेज, जैसे कि आपने मेट्रो सिटी और अर्बन में अपना अकाउंट ओपन करवाया तो आपका 3 महीने में एवरेज आना चाहिए, तभी आपका चार्जेस नहीं कटेगा, यानी कि 3 महीने का एवरेज आपका 2000 रुपये आना चाहिए। अब आप लोग का एक सवाल होगा कि सर ये बताइए कि मैंने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया और मैंने जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 महीने मैंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया, उसके बाद में मैंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो क्या मेरा जनवरी फरवरी मार्च का भी चार्जेस कटेगा? तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बिल्कुल हाँ, आपका चार्जेस कटेगा। भले ही यहाँ पर आपने जनवरी फरवरी मार्च तक अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा काउंट करता है वो उनके मंथ के हिसाब से काउंट करता है। हम इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे काउंट करता है मिनिमम बैलेंस को। दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर से 250 रुपये प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस करता है, जबकि रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर से 125 रुपये प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस करता है। दोस्तों, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस हिसाब से इस चार्जेस को कट करता है आप लोगों के अकाउंट से, इसके अलावा ये कैसे काउंट करता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी और अर्बन में होता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप लोगों को 2000 रुपये मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पर अगर आपका जो एवरेज है वो 1500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के बीच में आता है, यानी कि 3 महीने में जब बैंक ऑफ बड़ौदा काउंट करता है आपके एवरेज बैलेंस को, तो आपका एवरेज बैलेंस 1500 रुपये से लेकर के 2000 के बीच में आता है, यानी कि 2000 रुपये से अगर 1 रुपये भी कम होता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को जो मैंने 250 रुपये बताया, उस 250 रुपये का 25% चार्जेस देना होगा प्लस GST। जैसे कि 250 रुपये का काउंट होगा, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 250 रुपये का 25% 62.50 रुपये होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 62.50 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपका एवरेज जो है वो 1000 रुपये से लेकर के 1499 रुपये तक आता है, तब ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को 250 रुपये का 50% प्लस GST चार्जेस देना होगा, यानी कि 50% यहाँ पर हो जाएगा 125 रुपये प्लस GST। तो यहाँ पर आप लोगों को 125 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका एवरेज जो है वो 500 रुपये से लेकर के 999 रुपये तक आता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को इस 250 रुपये का 75% प्लस GST चार्जेस देना होगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एवरेज 500 रुपये से भी कम होता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 100% चार्जेस देना होता है, यानी कि 250 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सेमी अर्बन की बात करें, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेमी अर्बन में आप लोगों को 1000 रुपये मेंटेन करना होता है, और यहाँ पर आप लोगों को 125 रुपये प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है,
तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका एवरेज जो है वो 750 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक आता है, तब इस 125 रुपए का 25% आप लोगों को चार्जेस देना होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कैलकुलेट करके। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका एवरेज 500 रुपए से लेकर के 749 रुपए तक आता है, तब इस 125 रुपए का आप लोगों को 50% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका एवरेज 250 रुपए से लेकर के 499 रुपए तक आता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को इस 125 रुपए का 75% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ अगर आपका एवरेज 250 रुपए से भी कम होता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 100% चार्जेस देना होता है, यानी कि 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रूरल एरिया की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रूरल एरिया में 500 रुपए मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पर सेमी अर्बन और रूरल में दोनों ही केसों में आप लोगों को मैक्सिमम 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपका अकाउंट जो है वो रूरल में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका एवरेज जो है वो 375 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक आता है एवरेज, यानी कि 500 रुपए से 1 रुपए भी कम होता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को इस 125 रुपए का 25% चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका एवरेज 250 रुपए से लेकर के 374 रुपए तक आता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को इस 125 रुपए का 50% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर आपका जो एवरेज है वो 125 रुपए से लेकर के 249 रुपए तक आता है, तब ऐसे केसेस में इस 125 रुपए का 75% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। और अगर आपका जो एवरेज है वो 125 रुपए से भी कम होता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 100% चार्जेस देना होता है, यानी कि 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे आपके बैलेंस को काउंट करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च में अपना बैलेंस मेंटेन किया, फिर भी आप लोगों को ये चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के काउंट करने का तरीका बहुत ही अलग है दोस्तों। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपके एवरेज बैलेंस को 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक काउंट करता है, यानी कि आपका जो एवरेज है वो 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक आना चाहिए दोस्तों। अगर आपका जो एवरेज बैलेंस है वो 16 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में यानी कि 15 जून तक नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में 16 जून को आपका चार्जेस कट जाएगा। जितना भी शॉर्टफॉल करेंगे, यानी कि जितना भी आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, उसका चार्जेस काट लिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक ये काउंट करता है, यानी कि आपका एवरेज 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक आना चाहिए। अगर आपका एवरेज इन महीनों में नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में आपका चार्जेस काट लिया जाता है। थर्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड काउंट 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक करता है, यानी कि आपका एवरेज 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस जो है वो नहीं कटेगा। आपका एवरेज इन महीनों में आना चाहिए। दोस्तों अगर हम फोर्थ काउंट की बात करें, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा फोर्थ काउंट 16 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक करता है। आपका जो एवरेज है वो 16 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस जो है वो नहीं कटेगा। अदरवाइज अगर आपका जो भी बैलेंस शॉर्टफॉल होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनिमम बैलेंस के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल और डाउट चल रहा होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस भी बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस बैंक के ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।